नमस्कार, मैं हूँ आप सभी आशा दीवारी। आप देख रहे हैं आज बात हो गया है देश और दुनिया की कुछ खास खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुबह 11 बजे देश के पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और राज्यों में कोरोना की स्थिति पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के जनसंख्या नियंत्रण बिल पर चर्चा के बीच संसद के मानसून सत्र में भी पूरे देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल पर बहस होगी। जनसंख्या बिल को लेकर बीजेपी ने एक खास रणनीति भी बनाई है। दरअसल बीजेपी की योजना अपने राज्यसभा सांसदों के जरिए इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल की तरह राज्यसभा में पेश करके चर्चा कराती है। अभिनेता रजनीकांत ने सोमवार को कहा है कि वह अपनी रजनी मक्कल मत्रों के पदाधिकारियों से इस बारे में चर्चा करेंगे कि भविष्य में राजनीति में शामिल होना है या नहीं। राजनीति से दूर रहने का विकल्प चुनने के 6 महीने बाद उनकी यह टिप्पणी आई है। चित्रकूट में चल रही आरएसएस की राष्ट्रीय चिंतन बैठक में संघ ने बंगाल और उड़ीसा में बड़ा बदलाव कर दिया है। रमापदो पाल को उड़ीसा और बंगाल का क्षेत्र प्रचारक नियुक्त किया गया है। प्रदीप जोशी को चंडीगढ़ प्रचारक बनाया गया है। दक्षिण बंगाल के प्रांत प्रचारक जलधर महतो को सह क्षेत्र प्रचारक का दायित्व दिया गया है। चित्रकूट में चल रहे अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में बदलाव की घोषणा की गई है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भंग प्रतिनिधि सभा को करीब 5 महीने में दूसरी बार बहाल करते हुए प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को बड़ा झटका दिया है, जो सदन में विश्वास मत हारने के बाद अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मुंबई के कुछ इलाकों में मंगलवार को पानी की किल्लत होगी, बीएमसी ने जानकारी दी है। बीएमसी ने कहा है कि इन क्षेत्रों में पानी बांटने वाली पाइपलाइनों पर मरम्मत कार्य के कारण जल आपूर्ति में कमी होगी। बीएमसी ने कहा है कि मंगलवार 13 जुलाई को मुंबई के जुहू, खार, सांता क्रूज, विलेपार्ले और अंधेरी में पानी की आपूर्ति नहीं होगी और या पानी की आपूर्ति कम होगी। देश के कई राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। राज्य के हालात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा की है। राजेश टोपे ने मुख्यमंत्री ठाकरे से लोगों को राहत देने के लिए या तो प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा देने या फिर तीसरी लहर की आशंका के बीच लॉकडाउन को और कड़ा करने की बात कही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में छोटा पुल ढाने से ऊपर चल रहे 2 वाहन नीचे गिर गए। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, पुलिस ने सोमवार को जानकारी दी है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजित पवार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम और डिप्टी सीएम उन पर नजर रख रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक नशा मुक्त सेंटर पर केयर टेकर रह चुकी महिला ने 4 अन्य महिलाओं के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है। 64 साल की महिला का कहना है कि उसे इतनी तेज मारा गया कि उसके बाप हो गया है। तो खास कर देश और दुनिया की खास खबर पे बने रहे चैनल के साथ। नमस्कार।